वह बच्चे था जिसने न केवल भारत का सिर ऊंचा किया बल्कि भारतीय वायुसेना का नाम भी भारत के इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। निर्मल निर्मल आजा रोटी खा ले। रुक बेबे रुक, मैं आ गया। आसमान से एक और जहाज आ गया। पूरा दिन ऊपर ही देखी जाने जे रोटी नहीं खाएंगा तो तरलोचन की तरह फौज कितना जाएगा। नहीं नहीं बेबे देखे, एक दिन मैं अपने कल उपरोधी जहाज ला के लेके जाऊंगा। समय जैसे पंख लगा के उड़ने लगा। दिन बने हफ्ते, हफ्ते महीने और महीने बने साल। ये साल है 1962। अब निर्मल अपने माता पिता के सपनों को जीने के लिए आगरा के दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने को तैयार था। अरे निर्मल, तुम कोई छोटे बच्चे थोड़ा ना हो कि हर वक्त प्लेन पकड़ के बैठे रहते हो। नहीं यारा, मुझे यह मन भी नहीं लगता, मुझे तो फौज में नहीं जाना है। करंदा को कब तक कैद किया जा सकता था, वो तो बना ही आसमान छूने। कॉलेज की चार दीवारें निर्मल के आसमान छूने की चाह तो रोक नहीं पाए। निर्मल जीत ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़ अब चल पड़े अपने सपनों की उड़ान। वायुसेना के प्रशिक्षण खत्म होते ही निर्मल जीत के शादी के अनेकों रिश्ते आ गए और मंजीत कौर के साथ उनकी शादी। मंजीत के हाथों से शादी की मेहंदी छूट भी नहीं पाई और निर्मल जीत के सीमा से बुलावा आ गया। सुन मंजीत, हम बेबी एक कारवाना का ख्याल तुम्हें रखेंगे, मैं जा रहा है देश की सेवा। जाते जाते उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मेरे लिए देश प्रेम सर्वोपरि। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जी सिंह को उस वक्त नंबर 18 स्क्वाड्रन में फ्लाइंग ब्रिज में तैनात थे। वो होल एंड नेट फाइटर एयरक्राफ्ट चलाते 14 दिसंबर 1971 सुबह 4:04 बजे चारों तरफ धुंध ही धुंध। एयरफोर्स स्टेशन श्रीनगर की रेडियो पर मैसेज आया, ऑल स्टेशन ऑन दिस फ्रीक्वेंसी टू मॉनिटर श्रीनगर एयरबेस इज अंडर एयर अटैक फ्रॉम एनिमी एयरक्राफ्ट। ब्रदर मैं लीड कर रहा हूँ। यस ब्रदर, आज किसी को नहीं छोड़ेंगे। सेना के सबसे बड़े सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी और पिता ने